हेलो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरी आँखों में भी हो गया है आइस फ्लू और पानी जो है बंद नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दर्द भी हो रहा है। अगर पानी बंद नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, जिससे ही रात को सोई थी तो ठीक ठाक सोई थी, सुबह उठी तो आँखें ना चिप चिप कर रही थी और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। देखिए इस तरीके से बहुत दर्द भी हो रहा है, मेरे को लग रहा है मेरे मुंह पे भी स्वेलिंग आई हुई है आँखों की वजह से, बहुत दिक्कत हो रही है। पहले मेरी बेटी को हुआ था, उसको तो ऐसा हुआ था, ब्लड ही आने लग गया था, इतना मतलब आँखें अंदर से इतना घाव हो गया था ना। हमने दवाई भी डाली और एक पाउडर होता है कौन सा बताया था वो भी पानी में मिला करके उससे भी आंखें धुली, और क्या बोलते हैं बर्फ़ से भी सिकाई करी। अभी भी मैंने बर्फ़ से सिकाई करी अभी अभी, तो अभी भी बर्फ़ से सिकाई की थी, मतलब बच्चों ने भी की है, बेटे को तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, मतलब ये अलग अलग तरीके का है, वैसे भी बेटे को बहुत कम हुआ है। बेटे को तो ब्लड आने लग गया था, जो आंसू पानी टपकता वो बिल्कुल लाल आने लग गया था। तो मेरे को भी रात से हो रहा है और बहुत बहुत दिक्कत है, पेनफुल है, बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है इनमें ना, मतलब इच्छा हो रही है खाने की, इच्छा हो रही है, और नींद तो बिल्कुल कैसे आएगी, तो आपकी आँखों में दर्द है तो नींद कैसे आएगी, नींद भी नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं मतलब वीडियो बना रही हूँ इसके लिए, और जो फिटकड़ी से पानी में घोल करके धुल रहे हैं ना, तो जो लाली है ये लाल लाल जो होता है ये कट जाती है, तो बेटी को ऐसे ही किया था मैंने और बर्फ़ से सिकाई करी, पर 3 दिन तक इसका वो रहता है, असर रहता है, और जैसे मतलब बॉडी में ऐसा हो रहा है जैसे कि फीवर आ रखा होगा, और देखने में मतलब जैसे लाइट पड़ रही है ना, रात में लाइट जला रहे हैं तब भी दिक्कत हो रही है आँखों में, फ़ोन की लाइट से भी दिक्कत हो रही है, और जो ये सूरज की रोशनी इससे भी दिक्कत हो रही है, बाहर तो निकला ही नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ही पता नहीं किस टाइप की बीमारी है, किस टाइप की नहीं। जब तक मेरे को नहीं हुआ था तो मैं बेटी चिल्लाती थी, मैं डांटती थी उसको, मैंने कहा तुम ज़्यादा ही कुछ चिल्लाने लग जाते हो, ज़रा सा दर्द होता है तो ज़्यादा ही चिल्ला। जब मेरे को हुआ, सच में बच्चे ने पता नहीं कैसे सहन करा होगा, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, और मतलब सब जगह फैल रही है बीमारी, बहुत फैल रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो क्या करूँगा, इस बार बार मैं पानी से, ठंडे पानी से भी धुल रही हूँ, कोई बोल रहा है कि ठंडे पानी से धुलना है, और आरओ का पानी का मैंने वो बर्फ़ जमाया हुआ है तो उसको मैं हैंकी में ऐसे पोटली टाइप बना करके, पोटली बना करके लेटती हूँ तो ऐसे रख लेती हूँ बार बार मैं, और सिकाई कर रही हूँ, पर दर्द किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा है, क्या करूँ, सिर भी दर्द हो रहा है इसकी वजह से, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है आँखों में। और गैस चुभन ऐसी हो रही है ना, जैसे कि आँख में वो नहीं, कंकड़ पड़ जाता है, कंकड़ का कड़ 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 कड़, आप ऐसे पुतली घुमाओगे ना, ये काली वाली में तो कुछ नहीं, और जो ये वाइट वाला है ना, ये चारों तरफ इसमें इतना दर्द है ना, जैसे कि मिर्ची लगा दिया होगा, मिर्ची की मालिश कर दी होगी, बहुत ज़्यादा अपने आप आंसू आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं तो बाहर नहीं जाती हूँ, मेरे को शायद बच्चों को स्कूल से लगा होगा, बेटी को लगा था, बेटी सुबह ठीक ठाक गई थी, आई तो उसकी एक आँख इतनी बड़ी हो रखी थी, बहुत बड़ी, फिर दूसरी आँख में भी ऐसी हुआ, बेटे को हल्का असर हुआ था, बहुत ही हल्का, और मतलब मेरे को और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा असर हुआ इस चीज़ का, बहुत ही ज़्यादा, और पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं तो कभी मतलब हाथ तो पहले भी लगाते थे, पर पता नहीं क्या हो रहा है, और कई दिन से तो जैसे कि इसका पता चल रहा था कि आइस फ्लो हो रहा है आँखों के हाथ लगाने से, कहीं भी टच करने से फिर आँखों के हाथ लगा ले रहे हैं, तो मैं तो हर चीज़ में, फ़ोन में भी सैनिटाइजर लगा करके यूज कर रही थी हर चीज़ में, और घर में ही रहते हैं, बार बार हैंड वॉश कर रही थी बार बार में, फिर भी हो गया, जितना भी वो करो ना उतना ही ज़्यादा होता है, मैं तो ये समझती हूँ। और मेरे ना ये वाला फेस में ना स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, इसकी वजह से यहाँ पे भी आ रही है,
ये पर इस वाले में कम लग रही है मेरे को देखने में कैमरे में, ये वाला मेरा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मेरे फेस पे वैसे भी स्वेलिंग आ जाती है और कुछ आँखों की वजह से भी आ रही है। वैसे नॉर्मली मेरे फेस पे कभी कभी आ जाती है, पता नहीं मुझे क्या बीमारी है कुछ पता नहीं चला, टेस्ट वगैरह सब कराए हैं पर मुझे स्वेलिंग आती रहती है। इसीलिए मैं बहुत मेरा फेस ना, मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा फेस ना बहुत भारी दिखाई देता है वीडियो में, रहता है किसी किसी का फेस भारी, इतना बॉडी मतलब बॉडी नहीं है इतना जितना फेस बड़ा दिखाई देता है, किसी किसी का होता है। और मेरे को अक्सर तीसरे दिन जैसे मैं कुछ भी खा लेती हूँ, जैसे कि भिंडी की सब्ज़ी खाई, दाल मोटी दाल खा ली, या अरवी बैंगन और जी क्या बोलो मतलब कोई भी सब्जी नहीं खा सकती हूँ, कुछ भी नहीं खा सकती हूँ, उससे मुझे प्रॉब्लम होती है। मेरे को रात में खाए तो सुबह तक स्वेलिंग आ जाएगी, कद्दू नहीं खा सकती हूँ, और लौकी तोरी खा लो कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी, दाल तो कोई सी भी नहीं खा पाती हूँ क्योंकि यहाँ से पेट से यहाँ तक जलन होती है, यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड की वजह से ही शायद मुझे स्वेलिंग भी आती है। मेरे हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं। मैंने एक तेल बनाया था, वो भी किसी ने मुझे बताया था क्योंकि मेरे को गठिया की भी प्रॉब्लम है, तो किसी ने मुझे बताया था कि मालिश करो शायद ये ठीक हो जाएगा, पर कितना भी मालिश कर लो वो ठीक नहीं होता है। मैं मतलब घुटनों से बैठ नहीं पाती, मतलब बैठती हूँ टोटी पकड़ के बैठती हूँ बहुत धीरे से, जैसे कि बूढ़े लोग बैठते हैं बहुत, और कभी कभी तो इतना दर्द हो जाता है, कौन सी हवा बोलते हैं जब हवा का रुख बदलता है, पता नहीं कौन सी हवा बोलते हैं, तो मैं रो रो के बैठती हूँ, वो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे बहुत ही ज़्यादा। तो अभी भी ऐसे हो रहा है, शायद मैंने रात में, कल सोमवार था और मेरा फास्ट था, और मैं अभी दो सोमवार की वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने सावन का सोमवार चल रहा है क्योंकि मेरा एक सोमवार में मेरा पेपर था और कल मेरी तबीयत डाउन थी, वैसे मेरा फास्ट था पर मैंने कद्दू की सब्जी बनाई और ज़रा सी खाई तो मेरे को शायद ये, जबकि मैंने उसमें ना मेथी भी डाला हुआ था, कस्तूरी मेथी भी डाला हुआ था, और जी जो क्या बोलते हैं खड़े मसाले होते हैं तेज पत्ता वगैरह उसमें भी मैंने तड़का लगाया था, और हींग भी डाला था, मैं बहुत चीज़ें क्योंकि लहसुन प्याज तो खाते नहीं है सावन में, तो और चीज़ें मैंने बहुत गरम गरम डाली हुई थी पर फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ, और जैसे मैंने खाया तो मेरे को ये देखिए स्वेलिंग बहुत भयंकर वाली आ गई है, ये वो कर रहा है दब रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर वाली स्वेलिंग आ गई है। तो चलिए गाइस आज का इतना ही था क्योंकि मेरी आँख भी दर्द हो रही है, उसमें देख नहीं पा रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।